दोस्तों, अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। भगवान श्री राम के मंदिर को परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। ये भव्य मंदिर करीब 3 मंजिला होगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। लेकिन आज जो हम आपको चमत्कार बताने जा रहे हैं, वो अयोध्या के अंदर हुआ है। दोस्तों, एक बार की बात है, जब अयोध्या और हनुमान गढ़ी मंदिर पर बहुत बड़ी आफत आ गई थी, तो हनुमान जी खुद प्रकट हो गए। दोस्तों, ये कोई अफवाह या फिर अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आप न्यूज और कई सारे आर्टिकल्स में भी पढ़ सकते हैं। कुछ समय पहले की घटना है और इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। और इस चमत्कार की चर्चा पाकिस्तान में भी हुई थी, जब आतंकियों ने अयोध्या में मौजूद हनुमान गढ़ी मंदिर को निशाना बनाया था, तो खुद हनुमान जी ने प्रकट होकर उस बहुत बड़ी आफत को टाला था। हनुमान गढ़ी को अयोध्या की रखवाली खुद हनुमान जी कर रहे हैं। आपको इस घटना के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से इस चमत्कार को देखकर पूरी दुनिया हिल गई थी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कई बुद्धिजीवी लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं, लेकिन बजरंगबली के भक्त बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहां पर भी हनुमान जी के भक्तों पर आफत आई है, तब तब उन्होंने किसी न किसी रूप में आकर भक्तों को बचाया जरूर है। कहानी है साल 1998 की, जब श्री हनुमान गढ़ी मंदिर अयोध्या में एक अज्ञात दिन मंदिर के मैदान में ठंडे पानी की मशीन के पास बैठा एक छोटा सा बंदर अपने मुंह में 2 बिजली के तारों को खा रहा था, जैसे कि वो कोई फल हो। वहीं दूसरी तरफ पूरे मंदिर को खाली कर दिया गया था और इस समय हनुमान गढ़ी मंदिर के अंदर केवल एक पुलिस बल और एक बम निरोधक दस्ता मौजूद था, और उन सभी ने छोटे बंदर को बिजली की लाइन चबाते हुए देखा। दरअसल इस कहानी के अंदर हुआ यूं था, जब हनुमान गढ़ी के अंदर हर रोज की तरह ही लोगों का आना जाना लगा हुआ था, तो 1998 में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ यानी कि स्पेशल पुलिस स्क्वाड को सूचना मिली थी कि अयोध्या में 20 किलोग्राम आरडीएक्स आ रहा है और आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस ने जल्द ही स्थिति को समझ लिया, तुरंत ही एसटीएफ को बुला लिया गया। उस समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। 1982 में इनकी पोस्टिंग हुई थी और 1985 से 2000 तक कार्यरत रहे। इनके नाम 150 एनकाउंटर भी हैं। तुरंत ही टीम का गठन करके पूरी अयोध्या के अंदर अलर्ट कर दिया जाता है और पुलिस ने सतर्क रहते हुए पूरी अयोध्या के अंदर 1 घंटे के अंदर 8 जगह से आरडीएक्स बरामद किया। आतंकियों की साजिश बहुत बड़ी थी, उनका मकसद पूरी अयोध्या में दहशत फैलाना था, लेकिन कुछ हद तक पुलिस ने उस पर लगाम लगा दी। तो वहीं उधर हनुमान गढ़ी के आगे भी एक जीप खड़ी मिली, जिसके अंदर पुलिस को कुछ आरडीएक्स मिलता है। इसीलिए उन्हें अंदेशा था कि इसे हनुमान गढ़ी मंदिर के अंदर भी कहीं पर रखा गया है। पुलिस तुरंत ही हनुमान गढ़ी मंदिर की तलाशी शुरू कर देती है, लेकिन लंबी खोजबीन के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। इधर पुलिस तलाश कर रही थी कि तभी एक व्यक्ति एसटीएफ टीम की यूनिफॉर्म पहने हुए मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके हाव भाव देख कर पुलिस को शक हो जाता है। अविनाश मिश्रा जैसे उस व्यक्ति को आवाज लगाते हैं, तो वो व्यक्ति वहां से डर के मारे भागते हुए नजर आता है। तुरंत ही एसटीएफ टीम उसे दौड़कर पकड़ लेती है और वो कोई और नहीं बल्कि आतंकवादी था, जिसके मंसूबे हनुमान गढ़ी मंदिर के अंदर बड़ी घटना को अंजाम देना था। जैसे उसे पकड़ा जाता है, तो वो हंसकर कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने अब हनुमान गढ़ी के अंदर टाइम बॉम्ब लगा दिया है, आखिरी बम बचा है, और आतंकी ने कहा था कि 3 मिनट बचे हैं, अब तुम्हें तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा सकता। आनंद फानन में इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में पूरी पुलिस टीम मंदिर में घुस गई और टाइम बम की तलाश शुरू कर दी। मंदिर का कोना कोना और हर गलियारा छान मारा, लेकिन किसी को बम जैसी कोई चीज नजर नहीं आई, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चंद सेकंड का समय बचा था, तभी पुलिस ने देखा कि एक छोटा सा बंदर मंदिर प्रांगण में बनी
ठंडे पानी की मशीन के पास बैठा हुआ है और अपने हाथों में दो डोरियां लेकर खेल रहा है और उन्हें मुंह में लेकर चबा भी रहा है जैसे कि वो कुछ काट रहा हो। अविनाश मिश्रा की टीम को पूरा शक था कि बम इसी वाटर कूलर के अंदर है, लेकिन वो बंदर उस पर से हट ही नहीं रहा था। उसे हटाने के लिए प्रसाद से केले भी उसकी तरफ फेंके जाते हैं ताकि वो उस तार्क से हटकर वो केले की तरफ आ जाए, लेकिन बंदर ने उस प्रसाद की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। फिर वो बंदर वहां से चला जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े बम निरोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं, मगर जैसे ही उस वाटर कूलर को देखा जाता है तो उसके अंदर वाकई में एक बॉम्ब फिट हुआ होता है। वो शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे ये तो टाइम बॉम्ब है। लेकिन वो व्यक्ति ये भी देखता है कि वो बम 3 सेकंड पर रुका हुआ है। यहीं पर भगवान का वो चमत्कार हुआ था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस टीम ये समझ जाती है कि बंदर जिन तारों को काट रहा था वो कोई नॉर्मल तार नहीं थी बल्कि बम की तारें थी, लेकिन तब तक वो बंदर वहां से जा चुका हुआ होता है। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और कुछ ही देर में पूरी पुलिस फोर्स उसी छोटे बंदर को हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर शिखर के कलश को सहलाते हुए देखती है। लेकिन दोस्तों, वो कोई नॉर्मल बंदर नहीं था बल्कि वो साक्षात हनुमान जी थे जो इतने बड़ी आफत को आने से पहले ही टाल देते हैं। इस नज़ारे को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी लोग वहां पर उस बंदर को प्रणाम करते हैं। कुछ देर बाद वो बंदर वहां से चला जाता है। कितने भाग्यशाली थे वो लोग जिन्हें साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिए। अब कुछ लोग इस घटना को गलत कहेंगे, लेकिन दोस्तों इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश, जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा भी इंटरनेट पर आपको तमाम आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि इसी से रिलेटेड होंगे। अयोध्या की संवेदनशीलता को नजर रखकर 1998 की इस घटना को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, इसे छुपाकर ही रखा गया है। खुद अविनाश मिश्रा ने कहा था कि वो हमारे लिए सपने जैसा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भगवान खुद भक्तों को बचाने के लिए इस रूप में आकर उनकी रक्षा कर सकते हैं। मान्यता यह है कि हनुमान जी का नाम लेते ही जीवन की सारी दुख परेशानी क्रोध सब कुछ खत्म हो जाता है और भक्त को किसी बात का भय नहीं सताता है। बजरंग बली की पूजा करने से सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के पथ पर चलने वालों को कोई भी संकट नहीं मिलता है। कलयुग में इस धरती पर हनुमान जी सशीर मौजूद है और अपने भक्तों की परेशानियों को सुनते भी हैं। हनुमान जी की पूजा तो पूरे देश में की जाती है। कलयुग में राम भक्त हनुमान जी को प्रत्यक्ष जीवित एवं अमर रहने का वरदान प्राप्त है और इसीलिए उनको चिरंजीवी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में माता सीता को जब हनुमान जी ने अंगूठी दे दी थी तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसके बाद रावण के विरुद्ध युद्ध में भी वो श्री राम की मुख्य सहयोगी के रूप में थे और अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति का परिचय भी दिया था। बजरंग बली भक्तों की प्रार्थना सुनकर स्वयं उनकी समस्या को दूर कर उनकी रक्षा करते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।